दोस्तों, नमाज पढ़ते हुए इंसान के सर को जब मशीन लगाकर स्कैन किया गया तो साइंसदानों ने ऐसा क्या मौजजा देखा कि वो भी सब हैरान हो गए। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर की जाने वाली एक नई रिसर्च आपको बताएंगे। जब साइंसदानों ने नमाज पढ़ने वाले एक शख्स के दिमाग पर जदीद मेडिकल आलात लगाए तो उन्हें क्या हैरत अंगेज नतज देखने को मिले। दोस्तों, ये रिसर्च मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी की एक टीम ने साइंसदानों की क्यादत में एक रिसर्च की, जिसमें नमाज में मसरूफ अफराद के दिमाग के हिस्सों को नमाज के मुख्तलिफ मराहिल के दरमियान यानी रुकू, सुजूद और क्याम में दिमाग के अंदर मौजूद अंदरूनी सिग्नल्स का मुतायला किया गया और तहकीक के नतज से मालूम हुआ कि नमाज के दौरान बिलखसूस सजदे के टाइम दिमाग में अल्फाबेब एक्टिविटी में नुमाया इजाफा हो गया। दोस्तों, अल्फाबेब इंसानी दिमाग में सुकून, इत्मीनान और खुशी के जज्बात पैदा करती है। ये रोज रोज की मुश्किलात और तकलीफ के शिकार दिमाग को पुरसकून बनाने और इंसानी सलाहियत को निखारने में भी अहम किरदार अदा करती है। और सजदे के दौरान दिमाग के इन हिस्सों में अल्फाबेब का इखराज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हरफ ब हरफ सच्चा साबित करता है कि मोमिन सजदे के दौरान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडिया के शहर हैदराबाद के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नमाज पढ़ने वाले दिमागी बीमारी से महफूज रहते हैं। और मुख्तलिफ रिसर्च में दोस्तों ये साबित हो चुका है कि नमाज इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है, जिसके पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, जिसके पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। ये वो मुकद्दस इबादत है जो अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदी को अता की है, जो हमारे लिए आखिरत का जरिया है। इसका सवाल क़यामत के रोज सबसे पहले होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।